तो आज हम बात करने वाले 10 प्रोफेशनल कोर्स के बारे में, बट जो नंबर वन कोर्स के बारे में मैं बताने वाला हूं उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 5 लाख तक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने जा रहा हूं 10 प्रोफेशनल कोर्स के बारे में जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख टू 5 लाख तक जा सकती है, एंड हां, जिसका डिमांड काफी हाई है। बट सबसे पहले उन सभी को थैंक्स जिन्होंने पिछले वीडियो को इतने सारे लाइक्स दिए, और होप करता हूं कि आज का वीडियो भी उतना ही नॉलेजेबल होगा और आपको ये वीडियो काफी मददगार साबित होगा। तो यहाँ पे जो 10th नंबर कोर्स मैंने लिया है वो है आर्किटेक्चर का। मैं आपको बता दूं, आर्किटेक्चर के कोर्स के लिए आपका विजुअल पावर अच्छा होना चाहिए। एक बार आप इस फील्ड में आ गए और आपका नाम और गुडविल मार्केट में बढ़ता जाएगा तो आपका जो सैलरी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो आपका सैलरी रेंज स्टार्ट होता है वो 2 लाख से होता है और वो जाते जाते हो सकता है 5 लाख 6 लाख तक भी पहुंच जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस आर्किटेक्चर कोर्स के लिए, आप इसमें जा सकते हो। यहाँ पे मैंने जो 9th नंबर कोर्स लिया है वो है लॉयर का। यस, लॉयर इज अ गुड फील्ड। लॉयर के लिए भी आपको मार्केट में गुडविल बनाना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आपके नाम बढ़ते जाएंगे और आपका जो गुडविल है मार्केट में इंक्रीज होते जाएगा, वैसे ही आपके डिमांड भी बढ़ते जाएंगे। हालांकि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख से स्टार्ट हो सकती है और ये आगे बढ़ते बढ़ते 2 लाख 3 लाख, डिपेंडिंग ऑन योर रेप्यूटेशन इन द मार्केट, आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे मैंने 8th नंबर जो कोर्स लिया है वो है टीचिंग का। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हो या टीचर बनना चाहते हो, तो अगर आपने एक बहुत अच्छा मकाम हासिल कर लिया है, आप धीरे धीरे इस फील्ड में अपने आप को डेवलप कर रहे हो, तो आगे चल के अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हो, एक बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हो, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख से लेके 3 लाख तक भी जा सकती है पर मंथ। हालांकि टीचिंग फील्ड में आपको जो जनरेशन टू जनरेशन के साथ आपको चलना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जनरेशन का क्या डिमांड है और उनके हिसाब से अपने आप को चेंजेस में लाते रहना पड़ेगा। ना यहाँ पे 7th नंबर जो कोर्स मैंने लिया है वो है सिविल इंजीनियरिंग का। ना यहाँ पे आप इस फील्ड में जा सकते हो, ये एक बेहतरीन फील्ड है। मैं आपको बता दूं, इस फील्ड का काफी डिमांड है। जैसे कि आज आपको पता है सभी जगह पे सिविल इंजीनियरिंग का डिमांड बढ़ते जा रहा है और इसकी सैलरी रेंज जो है वो 2.5 लाख टू 3 लाख पर मंथ जा सकता है। हाँ, जबकि इसकी सैलरी धीरे धीरे और आगे बढ़ती जाएगी, डिपेंड ऑन योर टेक्निक्स एंड योर प्रोफेशनल लेवल। आप जैसे और आगे 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 इस फील्ड में जाते रहोगे तो आपका सैलरी रेंज जो है वो और हाई होते जाएगा। तो ये एक बेस्ट फील्ड है, आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ यहाँ पे 6th नंबर जो कोर्स मैंने लिया है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। नाउ जैसे कि आप जानते हो, ये सेंचुरी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड एकदम हाई में है और काफी कंट्री में इसके डिमांड जो है पीक पॉइंट पे पहुंच चुका है। सभी लोग चाहते हैं कि उनके कंट्री में बेस्ट से बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर हो। तो ये जो करियर है ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट है एंड प्रेजेंट टाइम में भी इसका डिमांड काफी हाई है। आप इस फील्ड में जा सकते हो और इसकी जो सैलरी रेंजेस है वो 2 लाख टू 3 लाख पर मंथ हो सकती है, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड योर टेक्निक्स। आप कितने बेस्ट हो, अगर आप यहां पे अपने आप को साबित करते हो कि आप एक बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो किसी कंपनी में जाके, तो वो कंपनी आपको इजीली हायर करने को रेडी है और आपको एक अच्छा पैकेज दे सकती है। तो आप इस फील्ड के लिए भी जा सकते हो क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा फील्ड है। नाउ यहां पे मैंने 5th नंबर जो कोर्स लिया है वो है होटल मैनेजमेंट का। आप इस फील्ड में भी जा सकते हो, ये अपने आप में एक बेस्ट फील्ड है। आप धीरे धीरे अगर इस फील्ड में एक्सपीरियंस होते जाते हो तो आपको पता चलेगा कि इसमें काफी सारे ब्रांचेस है, मींस ये एक ही जगह सीमित नहीं है। आप काफी चीजें होटल मैनेजमेंट के अंदर जाने के बाद सीख सकते हो और वैरायटी ऑफ प्लेसेस में आप काम कर सकते हो। नाउ यहां पे मैं सैलरी रेंज की बात करूं तो 1 लाख से 2 लाख में स्टार्टिंग आपको मिल सकता है, डिपेंड ऑन योर प्रोफेशन लेवल एंड वेयर यू आर स्टैंडिंग, मींस आप कौन से जगह पे काम कर रहे हो और किस तरह का काम कर रहे हो। नाउ यहां पे भी मैं ये बात बता दूं कि आपका जो सैलरी रेंज है वो आगे और बढ़ सकता है, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। तो आप इस फील्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी एक बहुत बेहतरीन फील्ड है।
Now, यहां पे मैंने फोर्थ नंबर जो फील्ड सिलेक्ट किया है वो है मर्चेंट नेवी का। मैं आपको बता दूं कि मर्चेंट नेवी का जो पैकेज या सैलरी होता है काफी हाई होता है। यहां पे सैलरी 1.5 लाख से भी स्टार्ट हो सकती है और ये काफी हाई तक जा सकती है। बट सिर्फ सैलरी ही नहीं, काफी बच्चों का ड्रीम होता है कि आगे चल के वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करे, क्योंकि ये एक बेहतरीन फील्ड है। आप इस फील्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हो और आप इस फील्ड में आगे जा सकते हो। नाउ यहाँ पे अगर मैं थर्ड नंबर कोर्स की बात करूँ तो ये भी एक ड्रीम जॉब है। आप किसी स्कूल में जाओगे और एक क्वेश्चन करोगे स्पेशली बॉयज से कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, तो वो आपको ये नाम जरूर बोलेंगे। अगर आपको ये नाम गेस कर लिया तो वीडियो को पॉज करो और कमेंट करके बता दो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यस, तो वो आप सही सोच रहे हो, वो है पायलट का जॉब। अगर आप किसी बॉयज को स्पेशली स्कूल में पूछोगे कि फ्यूचर में वो क्या बनना चाहते हैं, तो वो आपको पायलट बोलेंगे। नाउ ये फील्ड काफी अच्छा है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग सैलरी रेंज जो है वो 2 लाख से लेके 6 लाख 7 लाख तक भी जा सकता है, क्योंकि ये काम काफी रिस्की एंड जिम्मेदारी का काम है। अगर आप इस फील्ड को चूज करते हो तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। यस, आपका ड्रीम जो है, आपका ड्रीम जॉब जो है, वो आप इस फील्ड के थ्रू अचीव कर सकते हो। नाउ यहां पे अगर मैं सेकंड नंबर फील्ड की बात करूं तो वो है मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड अपने आप में एक रूट है क्योंकि इसका जो ब्रांचेस है वो इतना फैला हुआ है कि मैं आपको इसके बारे में एक वीडियो में डिस्क्राइब करके नहीं बता सकता। क्योंकि अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हो तो आप आगे चल के डॉक्टर बन सकते हो, आप डर्मेटोलॉजी में जा सकते हो, इसके बाद आप साइकेट्रिस्ट में जा सकते हो, साइकेट्रिस्ट में न्यूरोलॉजी ऑर्थोलॉजी। मैं अगर यहाँ पे एक वीडियो में इसको डिस्क्राइब करने जाऊँ तो ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसके फील्ड के बारे में जितने आप जानोगे आप और आगे जानने में उत्सुक हो जाओगे। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि एक जो डॉक्टर होता है उसकी जो सैलरी रेंजेस होती है वो 2 लाख से 3 लाख पर मंथ जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन एंड द टाइप ऑफ योर फील्ड। नाउ यहां पे अगर मैं वन नंबर स्ट्रीम की बात करूं तो वो है चार्टेड अकाउंटेंट का। यस, आपने सही सुना, चार्टेड अकाउंटेंट। यहाँ पे मैं सैलरी रेंज की बात करूँ तो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 5 लाख से स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ इस फील्ड को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा, इसके एग्जाम्स काफी टफ होते हैं, इस फील्ड में एक्सपीरियंस काफी मैटर करता है। तो मैं होप करता हूं कि आपको आज के 10 प्रोफेशन जो मैंने बताए वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसके अलावा कोई प्रोफेशन ऐसा है जिसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया है, आप कमेंट करके बताओ, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। बट मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो से मैं पर्टिकुलर एक फील्ड के बारे में पूरे वीडियो में बात करूंगा, इसीलिए मैंने नेक्स्ट वीडियो जो चुना है वो है आर्मी फील्ड के बारे में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आर्मी के बारे में पूरी तरह से समझाऊंगा कि आप इस फील्ड में कैसे जा सकते हो, इस फील्ड में जाने के लिए आपको कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, कौन से टेस्ट आपको पास करने पड़ेंगे, एंड इसकी सैलरी रेंज क्या होगी और आपका इंपॉर्टेंस इस देश के लिए कितना हाई होगा, इसके बारे में पूरी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।